नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। x माइनस 2 गुना x प्लस 1, ये है, ये तीसरा तो भाग है, बराबर x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दो ब्रैकेट्स आपस में गुना हो रही हैं, यहाँ भी दो ब्रैकेट्स आपस में गुना हो रही हैं। और हमें पता है कि जब इस प्रकार से ब्रैकेट्स गुना हों तो पहले ये x के साथ ये दोनों रकम में गुना होंगी, उसके बाद ये माइनस दो के साथ ये दोनों रकम में गुना होंगी, है ना। देखिए, x पहले x से गुना होगा, एक्स स्क्वेयर, फिर ये x गुना होगा 1 से, तो प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, माइनस दो गुना एक्स माइनस दो एक्स, फिर माइनस दो, अभी x से गुना होगा, अब माइनस दो 1 से भी गुना होगा, माइनस दो गुना 1 दो एकम दो, माइनस इंटू प्लस माइनस। इसी प्रकार से इधर देखिए, बराबर ये एक्स पहले इस एक्स से गुना होगा, फिर इस 3 से गुना होगा, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर, प्लस 3 गुना एक्स होगा प्लस 3 एक्स, माइनस 1 अब इससे गुना होगा, फिर इससे गुना होगा, माइनस 1 गुना एक्स होगा माइनस 1 एक्स, और माइनस 1 इंटू 3, 3 एकम 3, साथ में माइनस इंटू प्लस माइनस। ये इन दोनों को हल करके आया है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण जैसा बनाने के लिए ये सारी की सारी चीजें हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, राइट साइड पर छोड़ देंगे जीरो। देखो कैसे, ये पहले रकम पहले लिख लो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, ये तो हमने सेम लिख लिया। अब क्या होगा, जब ये एक्स स्क्वेयर है राइट साइड पर है बराबर के, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, अब ये उधर जाके बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार से यह है प्लस 3 एक्स, जब ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 3 एक्स। इसी प्रकार से ये माइनस 1 एक्स, जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 1 एक्स, ठीक है। और ये है माइनस 3, जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 3। बराबर का निशान, बराबर के इधर से चारों चीजें उधर चली गई, तो बराबर के इधर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, इसका मतलब जीरो। अब हम इसमें से समान पदों को देखेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली रकम देखते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वेयर वाली रकम, ये एक है एक्स स्क्वेयर वाली रकम ये। तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो यह है एक्स स्क्वेयर और यह है माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ कट जाएगा, कट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस होके बच जाएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिए एक्स वाली रकमें, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी एक्स वाली रकम है ना। तो ये आपस में प्लस या माइनस होंगी। तो आइए देखते हैं, यदि इस एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ है 1। अब देखिए, 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं, ये है 1, ये भी है 1x, 1x प्लस 1x हो गया 2x, 2x में से 2x माइनस हो गया। दोबारा बता रहा हूँ, यह है 1x, ये भी है 1, हमने x वाली रकम में प्लस माइनस करनी है ना, यह है 1x, ये है 1x, 1x और 1x हो गया 2x, 2x में से 2x माइनस हो गया जीरो, और उसमें है -3x, तो यह हमारे पास -3x यहाँ से बच जाएगा। आशा करता हूँ ये स्टेप आपको समझ आया होगा कि 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1x, इन सबको हमने करना था। तो 1x प्लस 1x 2x, 2x में से 2x माइनस हो गया जीरो, और जीरो में से 3x माइनस हो गया, तो हमारे पास बच गया -3x। अब आगे हम देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बिना x वाली रकम में देखो, एक है ये -2 और बिना x वाली है एक है ये +3, तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, साथ में साइन बड़ी रकम का, यह है 2, यह है 3, 3 बड़ा है, इसके साथ निशान प्लस का है, तो ये आ गया प्लस बराबर 0। ये हमारे पास अब समीकरण आई है। अब हमें देखना यह है कि क्या यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली तो रकम ही नहीं आई, है ना, एक्स वाली रकम है, बिना एक्स वाली रकम है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली रकम नहीं है। तो हम लिखेंगे यह है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की नहीं है।
ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि द्विघात समीकरण होनी होगी तो इसकी घात 2 होगी, घात यानी x की पावर 2 होगी, लेकिन x की पावर 2 वाली रकम यहाँ है ही नहीं, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।